नौजवान फूल किस प्रकार बन सकता है, आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। वो सीधी सी बात है कि फूल को देखते ही हमारे अंदर अनुभव होता है कि हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। फूल को देख करके हमें खुशी का अनुभव होता है, फूल को देख करके हमें सुगंधी का अनुभव होता है, फूल को देख करके एक गहरी मुस्कुराहट जो कभी छुपी हुई थी वो हमारे अंदर भर जाती है। देखने को फूल चाहे छोटा हो, देखने को फूल चाहे बड़ा हो, लेकिन फूलों में नव जीवन किसने दिया, फूलों में वो मुस्कुराहट किसने भरी है, फूलों में वह आनंद किसने भरा है, तो हम कह सकते हैं कि उस परमपिता परमात्मा ने। फूल इसलिए ही उसने पैदा किए हैं, एक तो जगत के अंदर वो मुस्कुराहट के प्रेरणा स्रोत हैं, दूसरा वो प्रदूषण दूर करते हैं। जीव जितने भी सारे संसार के अंदर प्रदूषण फैले हैं, विषक्त गैसें फैली हैं, उन सब को फूल की सुगंधी दूर करती है। वैसे ही हमारे जीवन में आचरण होने चाहिए, जैसे फूल सुगंधित हैं, इसी प्रकार हमारे अंदर भी वैसी सुगंधी होनी चाहिए, हमारे विचार भी वैसे होने चाहिए, हमारे विचार सुगंधी पूर्ण होने चाहिए। एक विद्वान का कथन था, उसने कहा था कि फूल की जो सुगंधी है एक बगीचे के अंदर ही व्याप्त है, लेकिन मनुष्य की सुगंधी देश देशांतर में फैल जाती है। हमें इतनी सुगंधी फैलानी है, अपने जान से दूसरों को जानवान करना है, ये नहीं कि गुरुडम बात अपनाना है। आजकल के तो गुरु कहते हैं कि जो मैं मंत्र बता रहा हूं ये मंत्र तुम किसी को मत बताना, जो ये मंत्र तुझे मैं कान में फूंक रहा हूं वो मंत्र भूलकर भी किसी को मत कहना। ऐसे संकुचित वाद में रहना, ऐसे गुरुडम वाद में रहना कभी भी फूल नहीं बन सकते, कभी सुगंधी नहीं ला सकते। यदि जान लिया है तो जान देने के लिए। जान का अर्थ ही है कि जिससे अज्ञान खत्म हो जाए, अज्ञान मिट जाए। सुगंधी का अर्थ भी इसलिए है कि दुर्गंधी मिट जाए, सारे संसार से अशांति मिट जाए, सारे संसार से बदबू मिट जाए, सारे संसार से गंदगी मिट जाए। फूल हमें यही प्रेरणा देते हैं, यही आशा है कि आप फूलों से अवश्य प्रेरणा लेते रहेंगे। धन्यवाद।